की वीडियो में हम एकदम क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी बनाना सीखेंगे, जिसे हम यूजुअली गर्मा गर्म चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 1.5 बाउल मैदा डालेंगे। जिस बाउल से हम मैदा डाल रहे हैं, सेम कटोरी से ही हम इसमें 1 बाउल सूजी, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और चम्मच से पहले अच्छे से मैदा सूजी को मिक्स कर लेंगे ताकि नमक भी अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें 1/4 कप घी डालेंगे। आप इसकी जगह तेल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। घी डालने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ये स्टेप हमने सही से नहीं किया तो खस्तापन बिल्कुल नहीं आएगा हमारी पापड़ी में। तो अच्छे से मोइन को आटे में मिला लेंगे ताकि अगर मैं इस तरह इससे जोड़ भी रही हूँ तो ये कैसे जुड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमें। अब हमें इसमें पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने सूजी ऐड की है, तो इसलिए हम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे, क्योंकि सूजी जो होती है वो पानी सोख लेती है, तो पानी अब्सॉर्ब होते ही हमारा आटा एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सूजी ने अपना काम कर लिया है, मतलब पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम डो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम डो का एक हिस्सा लेंगे और उसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे और उसे बेलना शुरू करेंगे। हम इससे एक बड़ी सी चपाती बनाएंगे। हमें शेप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये नहीं देखना कि चौकोर शेप देनी है या सर्कुलर, बस बेलते जाएंगे। बट हाँ, हम इसे बड़े आराम से बेल सकते हैं बिना सूखा आटा और तेल लगाए। बस थोड़ी पतली चपाती तैयार कर लेंगे। तो बस चपाती बन गई है। अब हम फोक से इसे प्रिक करेंगे, यानी रोटी के सभी तरफ छेद करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी पापड़ी फूली फूली नहीं बनेगी, तलते समय बबल नहीं बनेंगे। तो अब पापड़ी की शेप देने के लिए मैं एक स्कूप ले रही हूँ। मुझे मीडियम साइज़ की पापड़ी अच्छी लगती है। आप चाहो तो ग्लास या फिर कुकी कटर्स या रिंग कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह का साइज़ आपको चाहिए। अब हम एक एक करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसे रिमूव कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा हम निकाल रहे हैं, हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे दोबारा बेलकर पापड़ी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी पापड़ी का साइज़। तो बस इसी तरह सभी पापड़ी को अलग करते जाएंगे। तो हमने सभी पापड़ियों को प्लेट में अलग कर लिया है। इस रोटी से हमारी लगभग 9 से 10 पापड़ी बड़े आराम से बन गई हैं। हम इसी तरह सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हमारी सभी पापड़ी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। तो अब हम एक एक करके सभी पापड़ियों को तेल में डालेंगे और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। पापड़ी को आप सेब पूरी, भेल पूरी या पापड़ी चाट में डालकर बड़े आराम से खा सकते हो। इवन आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो हमारी पापड़ी का कलर चेंज हो गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी तेल में डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मतलब शुरू में हाई फ्लेम पे डालेंगे और डालने के बाद हम इन्हें लो से मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। इससे बहुत अच्छी क्रिस्पनेस आएगी और हमारी पापड़ी एकदम क्रंची बनेगी। तो हमारी पापड़ी का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारी सभी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आप इवनिंग की चाय के साथ बड़े आराम से पापड़ी का मजा ले सकते हो। तो देखा कितना आसान है पापड़ी बनाना। आप जब तक चाहो इसे कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हो और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।